पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब भारत की टीम ने जीत लिया है। फ्रेंड्स, यह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है कि भारत ने सभी एशियाई देशों की टीम को हरा दिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही आंसर होगा बी, भारत ने। 2023 पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत की टीम ने जीता है। आइए डिटेल में जानते हैं। भारत ने श्रीलंका को एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में 10 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? श्रीलंका के कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। अगला सवाल, क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों। इसका आंसर उपर्युक्त दोनों इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देश ने मिलकर क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 की मेजबानी की है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में होस्ट किया गया है, जिसमें 4 मैच पाकिस्तान में और 9 मैच श्रीलंका में खेले गए हैं और संस्करण 16वां। 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप में कितने देशों ने भाग लिया? 6 देशों ने भाग लिया है, जिनमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देश शामिल है। अगला सवाल, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा बी, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला सवाल, एशिया कप 2023 के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? इसका सही आंसर होगा ए, मोहम्मद सिराज। एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज़्यादा 6 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। अगला सवाल, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 किस फॉर्मेट में खेला गया है? इस सवाल में यह पूछा गया है कि किस फॉर्मेट में खेला गया है, मतलब कि टेस्ट है या T20 या वनडे। इसका सही आंसर है बी, ODI। ODI फॉर्मेट उसे कहते हैं जो मैच 50-50 ओवर का खेला जाता है। 2023 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। टूर्नामेंट प्रारूप, ग्रुप राउंड रोबिन और प्ले ऑफ। और वहीं हम राउंड रोबिन टूर्नामेंट की बात करें। राउंड रोबिन टूर्नामेंट क्या होता है? एक प्रतियोगिता है जिसमें प्रत्येक प्रतियोगी आमतौर पर बारी बारी से हर दूसरे प्रतिभागी से खेलते हैं। अगला सवाल, क्रिकेट एशिया कप की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा डी, 1983। वर्ष 1983 में एशिया कप की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, क्रिकेट एशिया कप पहली बार कब खेला गया था? इसका सही आंसर होगा सी, 1984 में। वर्ष 1984 में एशिया कप पहली बार खेला गया था। आइए डिटेल्स में समझते हैं। पहला क्रिकेट एशिया कप वर्ष 1984 में खेला गया था। इसकी मेजबानी की थी संयुक्त अरब अमीरात ने। विजेता टीम भारत था। अगला सवाल, क्रिकेट एशिया कप का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, ACC। एशिया कप का आयोजन ACC संस्था द्वारा होता है। आइए डिटेल्स में समझते हैं। ACC का फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुआ था। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष जैसा अभी वर्तमान में है। अगला सवाल, किस देश ने सर्वाधिक बार पुरुष क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है?
इसका सही आंसर होगा सी भारत। पुरुष क्रिकेट एशिया कप का खिताब भारत ने सबसे अधिक बार जीता है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। भारतीय टीम सबसे अधिक 8 बार चैंपियन बन चुकी है। 1984, 1988, 1990, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023। और श्रीलंका की टीम 6 बार चैंपियन बन चुकी है। अगला सवाल, क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023 में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं? इसका सही आंसर होगा सी शुभमन गिल। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। शुभमन गिल ने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 302 रन बनाए हैं। और वहीं गेंदबाज की बात करें तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मथिसा पथिराना श्रीलंका के हैं, जो इस टूर्नामेंट में 11 विकेट लिए हैं। अगला सवाल, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में किस टीम ने पहली बार भाग लिया है? इसका सही आंसर होगा डी नेपाल ने। नेपाल की टीम ने पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में पहली बार भाग लिया है। अगला सवाल, क्रिकेट एशिया कप कितने वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है? इसका सही आंसर होगा बी 2 वर्ष। क्रिकेट एशिया कप 2 वर्ष के अंतराल में खेला जाता है। अगला सवाल, भारत ने क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसकी कप्तानी में जीता है? इसका सही आंसर होगा ए रोहित शर्मा। भारत ने क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता है। आइए सभी टीमों की कप्तानी की सूची देख लेते हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा, बांग्लादेश के शकीब अल हसन, नेपाल रोहित कुमार पोंडेल, श्रीलंका के दासुन सनाका, पाकिस्तान के बाबर आजम, अफगानिस्तान के हसमतुल्ला साहिदी। अगला सवाल, क्रिकेट एशिया कप 2023 की टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन सी कंपनी थी? इसका सही आंसर है ए सुपर 11। अगला सवाल, किस देश ने लगातार 3 बार क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा ए भारत। क्रिकेट एशिया कप का खिताब भारत ने लगातार 3 बार जीता है। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। भारत ने वर्ष 1988, 1990 और 1995 में लगातार 3 बार यह खिताब जीता है। अगला सवाल, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता था? इसका राइट आंसर होगा ए श्रीलंका ने। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने जीता था। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। उप विजेता पाकिस्तान था। संस्करण की बात करें तो संस्करण 15वां, आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।